हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। दिस इज वरुण महाजन। तो हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अब ये नेशनल पार्क जो है ये हमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहाँ पे अब ये बोला गया कि ये न्यूज़ में क्यों आया नेशनल पार्क, यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे हमें एक स्नो लैपर्ड जो है वो देखने को मिला, उसके पिक्चर्स वगैरह जो है क्लिक की होंगी, तो इसलिए ये नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में आ गया है। अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, स्नो लैपर्ड के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और हम इस नेशनल पार्क के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ पे यही बोला गया है कि जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उनकी जो रिसर्च टीम है उन्होंने एक स्नो लैपर्ड जो है उसकी प्रेजेंस जो है यहाँ पे देखने को मिली है। कहाँ पे? यही किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क में। तो आप ये देख सकते हो स्नो लैपर्ड। तो बाकी हम बात करें, यही कैमरास में कुछ फोटोग्राफ्स इनकी ट्रैप इसकी की होंगी, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये नेशनल पार्क जो है ये न्यूज़ में आ गया। तो थोड़ा जान लेते हैं किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम बात करें, नेशनल पार्क जो इसको डिक्लेयर किया गया था 1981 में, ये दूसरी चीज़ आया थी। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आपको पता है एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट। ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया ईस्ट और ये आ गया आपका वेस्ट। अब ये अगर हम बात करें नेशनल पार्क है, अब इसके नॉर्थ में जो है वो हमें जो है ये रिवर देखने को मिलती है। इसके स्पेलिंग ठीक कर लेना, राइन रिवर नहीं है, ये रिने रिवर है, तो इसके स्पेलिंग ठीक कर लेना। बाकी इसके स्पेलिंग में कमेंट में जो छोड़ दूंगा, वहाँ से आप इसको नोट्स में अपने ठीक कर लेना। तो नॉर्थ में रिने रिवर आ गई। फिर उसके हम बात करते हैं साउथ में जो है किबार नाला कैचमेंट, ये आ गया। और ईस्ट में हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयस, और वेस्ट में हम बात करते हैं मारवा रिवर। तो ये हमें इसके सराउंडिंग में जो है वो देखने को मिलता है। अब बात आती है फ्लोरा की और फोना की। फ्लोरा तो आपको पता है वेजिटेशन को हम बोलते हैं फ्लोरा, और फोना बोलते हैं एनिमल्स को। तो फ्लोरा की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे कि कॉर्निफरस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पहली चीज। हिमालयन यू देखने को मिलता है, दियोदार और ब्लू पाइन। तो ये कुछ हमारे ट्रीज हैं जो बेसिकली इस टाइप की वेजिटेशन जो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है इस नेशनल पार्क में। फिर हम बात करते हैं कि इस नेशनल पार्क में फोना भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड, हिमालयन स्नो कॉक, तो ये सब कुछ यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। अब हम जान लेते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में, जान लेते हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी कितने अल्टीट्यूड है, कितनी हाइट पे हमें स्नो लैपर्ड जो है वो देखने को मिलता है, हम बोलेंगे 3000 से लेकर 4500 मीटर तक ये हाइट पे देखने को मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम बात करें कि ये हमारी जो 12 कंट्रीज़ हैं एशिया की, तो उनके जो माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे माउंटेन्स हैं बेसिकली, वहाँ पे जो है ये अल्टीट्यूड पे हाइट पे जो है वो देखने को मिलता है। अब एशिया कॉन्टिनेंट की मैं बात करूँ, इसमें 12 कंट्रीज़ कौन सी, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, मंगोलिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, तो ऐसी हमारी कुछ कंट्रीज़ हैं एशिया कॉन्टिनेंट की, तो इनके माउंटेनियस रीजन में ये हमें जो है स्नो लैपर्ड देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि इंडिया की, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जनरली हमें जो है इन स्टेट्स में जो है ये स्नो लैपर्ड देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं IUCN रेड डेटा बुक की बात करते हैं कि इसका जो है कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। तो उसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा हुआ है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसके शेड्यूल 1 में इसको मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद साइट्स की हम बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसको जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो एक चीज़ और हम देखें कि ये हमारी कीस्टोन स्पीशीज़ है। कीस्टोन स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो कीस्टोन स्पीशीज़ हम ये बोलेंगे कि इसका एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है होता है हमारी इकोलॉजी में। तो ये बेसिकली इकोलॉजी को जो है वो क्या करती है, बैलेंस करने का काम करती है। अगर ये स्पीशीज़ है तभी जाके इकोलॉजी जो है वो बैलेंस रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि जंगल में अगर शेर है तो वहाँ पे इकोलॉजी बैलेंस है, अगर शेर वहाँ पे नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे डियर की जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डियर जब ज़्यादा हो जाएंगे बट वहाँ पे उनका जो खाने का जो रिसोर्सेज हैं डियर की वो कम, वो तो उतने ही रहेंगे ना, लिमिटेड रहेंगे, बट पॉपुलेशन अनलिमिटेड हो जाएगी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड पॉपुलेशन, वो ठीक नहीं। हम चाहते हैं कि लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, लिमिटेड ही अगर रिसोर्सेज हैं वो चलेगा। तभी क्या है कि जंगल में लाइन होता है तो वो डियर्स को खा लेता है, जिससे कि एक हम बोलेंगे कि इकोलॉजी जो है
बैलेंस रहती है उतने ही डियर जो है हमें जंगल में देखने को मिलते हैं जितनी रिसोर्सेज हैं। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि इकोलॉजी बैलेंस का ये हम बोलेंगे कि की स्टोन स्पीशीज जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्नो लैपर्ड। स्नो लैपर्ड है तो उसने इकोलॉजी को वहाँ पे भी जो है वो बैलेंस करके रखा हुआ है, तो इसलिए इसको हम की स्टोन स्पीशीज के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो बस ये था, इंपॉर्टेंट था, तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको अच्छा खासा जो है बेनिफिट दे सकता है, तो इसको स्टार मार्क लगा लो, आने के चांसेस के ज्यादा है। तो बस वही लास्ट में जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।